केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज बठिंडा में एमपी फंड्स को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर बादल की ओर से शब्दी हमले भी किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी अब खजाना खाली की बात कर रही है। 80,000 करोड़ का कर्ज 60 दिनों में पंजाब सरकार ने ले लिया है, लेकिन अभी तक ना तो पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना शुरू हुआ है और ना ही बिजली की 300 यूनिट माफ की गई है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की राजनीति मेरी बात हो गया है, झूठ बोलो हो सकता हासिल करो। पहले कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे किए जो पूरे नहीं हुए, अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो झूठे वादे कर ग्रंटियां लोगों को दी उसकी सच्चाई सबके सामने है। अब क्यों नहीं करप्शन का पैसा इकट्ठा करके लोगों को दे रहे, अब अरविंद केजरीवाल बताए क्या उनका मुख्यमंत्री भगवंत मान ईमानदार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो बिजली समझौते किए गए थे कांग्रेस ने उन्हें रद्द किया। बिजली विभाग पर कर्जा चढ़ गया। बिजली मुफ्त देने के बाद भी कांग्रेस ने की, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बिजली 24 घंटे 300 यूनिट के साथ फ्री देने की बात की, लेकिन अब हालात यह है कि लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर खरीद कर ही गुजारा करना पड़ेगा, बिजली बिल्कुल गुल हो जाएगी। बंदी सिखों की रिहाई के लिए सुखबीर सिंह बादल की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसे सिख पंथ एकजुट हुआ है। पर हुण पंजाब दे बिजली मंत्री उस प्राइवेट थर्मलां ते जांदा, लगदा नहीं भी ओह सरकार वास्ते सहारा बने होए ओही थर्मल हो। देखो, दोनों आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने 2015 तो लेके अज तई कल्ले श्रोमणी अकाली दल दे दोनों ने रल के पंडी प्रचार कीता। तुसी बिजली दी कर रहे हो, मैं नशे दी गल कर रही हां। आही कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन तो पहले अखीरले दिन ताई अपने अफसर बिठा के की कुछ नहीं किया अकाली दल नू नशे च भंडन वास्ते। इन्हां 60 दिनां च बठिंडे च जिहड़ा कुछ हो गया हैगा, उन्हां दे फड़े गए जिहड़े मूँह खोलिया, सिद्धू ने मूँह खोलिया नशे बारे, जिहड़े 60 दिनां च 60 मुंडे मार गए कि चन्नी ने खोलिया, किसे कांग्रेसी हुण नशा खत्म हो गया ना। हुण नशा दा मुद्दा पहले अकाली दल नू टारगेट करन। बिजली दे समझौते दी तुसीं गल कर रहे हो, दोनों पार्टियां ने अकाली दल ने बेचता रद्द करो PPAs, रद्द करो पूरा कि जी किन्ने पैसे असी खा गए। हकीकत आ है कि जब बिजली दे कट लग रहे सी, श्रोमणी अकाली दल ने दिन रात मेहनत करके ये थर्मल प्लांट बनाए ते 2.86 रुपए दे जिहड़ी बिजली दे रेट 10 साल वास्ते जिहड़ा इन्हां ने रद्द किए, अज उही बिजली ये 20 रुपए च खरीदन वास्ते तैयारी करके कर रहे ने। ये इन्हां दी सियासत हैगी, ये इन्हां दी इकोनॉमिक्स हैगी। लेकिन जेड़े अकाली दल ने थर्मल प्लांट बनाए कांग्रेस ने उन्होंने बंद किए, तो हुण आम आदमी पार्टी हुण उही उन्होंने चलाने वास्ते हुण कहते कि चलाना पवेगा, क्योंकि इन्होंने हकीकत आए कि बिजली के कटा के नाल लोग अगे दुखी ने। 10,000 मेगावाट डिमांड बद गई है, तो अगले महीने जब झोने की बिजाई होनी है इस तो भी वध डिमांड जानी है। इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। जिहड़ा बिजली महकमा है वह पहली सरकार तो इन्होंने सरकार की जिहड़ी मुफ्त बिजली दे वादे लारे जो भी इन्होंने झूठे किए ने, अगे वह कर्जा पूरा नहीं किया। गांव की बिजली कितने पूरी करूँगा, 300 यूनिट तो इन्होंने की देनी है। मैनू लगता बिजली ही नहीं आनी, जिवें सुखबीर जी कहते कि इनवर्टर तो जनरेटर खरीद लो, थानू आम आदमी पार्टी के आन के नाल बिजली पूरी गुल हो जानी, खत्म हो जानी है। तो हालात तो ही पैदा हुए ने जोड़े हूँ ती देखे ने, गांव इस तो भी माड़े होने। कांग्रेस के मौजूदा हालात में देख के सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं उन्होंने निजी मामला है जी। जी मेरे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते जिन्हें भी सेंट्रल स्कीम्स सूबे में चल रही ने उन्होंने टाइम टू टाइम एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिव्यू करना होंगे कि वो फंड्स किस तरह स्पेंड हो रहे हैं, बेनीफिशरीज़ को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वह स्टेटस की हैगा। सो क्योंकि पिछले समय तो कुछ कोड लग गया सी, इलेक्शन से गया, समा थोड़ा बद हो गया, जिदे करके कल मानसा का अज बठिंडे के जिन्नी सेंट्रल स्कीम्स है उन्हों का सारे का रिव्यू किया। जिथे घाट कमिया नज़र आई उन्होंने अफसर उन्होंने दूर करन वास्ते ताकि बेनीफिट लोगों तई पहुँच सकन उन्होंने प्रेरित किया। जिथे सेंटर तो फंड्स घट है वो सेंटर वास्ते नोट किया कि उत्थे मंत्री नू चिट्ठी लिखांगे, ते जिथे स्टेट का अपना कामकाज ढिला रहा है उत्थे स्टेट नू
डीसी साहब ने कहा कि वो काम अपना टाइप करें। हर इंसान नो साड़ी कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिंदी है, राइट टू लाइफ, ये साड़ा संविधान हरेक इंसान नो दिंदी है। ते जेड़े अपने सिख पैर भरा बंदी सिख जिन्होंने अपनी सजावां पूरी कर लीतियां ने, 20 साल की सज़ा की जगह 25 साल 27 साल 30 साल तो नज़रबंद है कि संविधान उन्होंने अप्लाई नहीं करता, तो जे संविधान हरेक इंसान वास्ते फिर इन्हों वास्ते भी है तो क्यों इन्हों बंदी सिखा रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो सिख है उन्होंने हक बनता है। दूजी गल जे इन्होंने कोई गलत किया इन्होंने अपनी सज़ा पूरी की है, जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुरु साहब गुरु नानक पातशाह जी के 550 साल सिखा एक वादा किया कि इन्हों बंदी सिखा असी रिहा करांगे, फिर अज 4 साल हुण नूं आए अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे। जे प्रोफेसर भुल्लर नूं जिन्हां नूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिहाई दित्ती सी, केजरीवाल उन्हां दी फाइल एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार उन्हां दी रिहाई दी फाइल दिल्ली च क्यों रोकी जा रहा है, इत्थे दी आम आदमी पार्टी भगवंत मान ने क्यों इहदा जवाब नहीं दिंदे। सही गल आ हैगी कि पंजाब नूं लुट्टण वास्ते कांग्रेस होए या ये आम आदमी या दूजी विरोधी पार्टियां ये हर पक्षों पंजाब नूं लुटदियां ने कुटदियां ने सानूं अपना हक नहीं दिंदे, ते अज भी अपने भरावां नूं रिहा करन वास्ते मैनूं इस गल की खुशी है कि पंजाब की खेतरी पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी भावें असीं 3 होए भावें असीं 30 होइए भावें असीं 90 होइए, जब 90 सी तां भी पंजाब के हकों वास्ते लड़दे सी, अज 3 है अज भी असीं ओके लड़ रहे हां। कांग्रेस पार्टी तो बिट्टू का जवाब दे दे जिहड़ा कहिंदा रिहा नहीं होने से, कांग्रेस बिट्टू नाल खड़ी है कि बंदी सिखा नाल खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी आ जवाब दे दे कि प्रोफेसर भुल्लर की फाइल साइन करके उन्होंने रिहा क्यों केजरीवाल नहीं कर रहा, तो चुप्पी धारी क्यों बैठी। मैं ना ही कह कुछ तो ठीक है, लोगों जो कहना वो आपे कहे, जेडे मान साहब तो केजरीवाल कहते कि साल का 36,000 करोड़ का जी करप्शन होंगी है उस करप्शन रोक के असी आ सारी स्कीम पूरी करांगे। सो हुण मैनू लगता है तीजा महीना लग गया, फरवरी से इलेक्शन हुई सी, फरवरी की करप्शन रुक गई, मार्च की रुक गई, अप्रैल की रुक गई, हुण मे की 36,000 विचों घट तो घट 10-15,000 तो कट्ठा हो गया होना है। सो वो जे कट्ठा हो गया तो वो आ स्कीम लागू करनगे, और लोगों ने तो वोटा 1,000 रुपए के चक्कर से 300 यूनिट बिजली माफ से बीबिया ने तो लाइना ला के वोटा पाइया सगिया। सो ये बड़ी दुख की गल है कि इलेक्शन तो पहले तुम कहो करप्शन रोकोंगे तो इलेक्शन के बाद तुम कहो कि खजाना खाली है, खजाने में तो तुम कर्जा लेके 2 महीने से 8,000 करोड़ का तो तुम कर्जा ले लिया है, उस 8,000 करोड़ के नाल बीबिया नूं दो तुसी। फिर हकीकत आ हैगी कि एक रिवाज बन गया है पंजाब से, कदे कांग्रेस आके घर घर नौकरी कर्जा माफ़ी झूठे लारे सौं खा के लोगों नूं लुट के 1,00,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी झाड़ के चली गई, ये पैसे किधे कौन कर्जाई हुए, पंजाब के लोग ही कर्जाई हुए ने। मैं सोच रही सी लोग ये सचेत हो जाएंगे कि झूठ किमें मारते हैं, लेकिन अफसोस की गल हुई कि एक दूजी पार्टी उस तो भी वड्डा झूठ मार गई, उन्होंने फॉर्म भरा रहे 1,000-1,000 रुपए के 300 यूनिट बिजली के, लोग फिर उन्होंने झूठ विच साजिश विच फस गए। तो अज इस नवी पार्टी ने आन सार मार्च के महीने से कर्जा लिता, अप्रैल के महीने से कर्जा लिता, मे के अजे 15 दिन नहीं होए 1,000 करोड़ रुपए इस महीने 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने जे 3 महीनों से ले लिया तो फिर अंदाज़ा लगाओ कि 10 महीनों से 80,000 तो फिर 60 महीनों से वो पिछले वाले तो 1,00,000 करोड़ का कर्जा चाड़ गए सी, इन्होंने कितना चाड़ देना। जे तुसीं बजट दे तुसीं सुझाव लेने तो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी दे अखबारों के तो फुल पेज ऐड निकलते हैं कि पंजाब के बजट वास्ते तुसीं सुझाव दो। जे सौ चुक समागम होनी है तो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी के फुल पेज एडवरटाइजमेंट निकलते हैं, इतने एडवरटाइजमेंट निकलते हैं एक हेल्पलाइन नंबर की करप्शन खत्म करन वास्ते, तो उस करप्शन वाली हेल्पलाइन चे किन्ने उत्थे करप्शन दे कंप्लेंट्स गई ने, तो किहड़े बंदियां नूं तुसीं फड़िया, ये पंजाब दे लोकां नूं तां पता नहीं,
लेकिन केजरीवाल साहब जाके हिमाचल प्रदेश से कहते कि 10 दिनों से पंजाब से करप्शन खत्म हो गए। हूँ करप्शन खत्म हुई है कि नहीं, ये तो तुसी दसो ना बठिंडे वासी। कल तो मैं तो देख रही थी जीरकपुर से कोई नए तहसीलदार फड़िया गया, इतने बठिंडे से दस दो कि रजिस्ट्रिया से किसी ने आपके घर में रजिस्टर कराना है तो 9-9 हज़ार तो इतने च तुसी आप दसो की हो रहा। कदे केजरीवाल साहब कहते जो मुख्यमंत्री ईमानदार होए तो 10 दिनों से नशा खत्म हो जूगा। 10 दिन की जगह 60 दिन होने आए ने तो तुसी आप 70 नशे की ओवरडोज की डैथ की रिपोर्ट तो तुसी की है। मेरे हिसाब न तो वाते बठिंडे च शरेआम जिमें बिक रहा है वोदी वीडियो क्लिप्स दिख रही है। तो फिर तरन तारण से तो आम आदमी का आप ही सरपंच के वो घरवाली फड़े गए नशे के नाल। तो फिर की थोड़ा मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ईमानदार नहीं है कि नशे के 100 दिनों से 100 तो वध मौतें हो गई ने, तो नशे के कोई झूठी सौ गुटका साहब से खा के 5 साल नशा बेचता है। नवी पार्टी आँदी है कहते 10 दिन से 10 की जगह 60 दिन निकल गए, शरेआम वीडियो वायरल हो रही ने, थोड़े अपने बंदे नशे बेच रहे हैं। लेकिन नशा मैनू लगता है ना कांग्रेस ने घटाया ना आपने घटाया, तो गल्लां दी गल्लां लोग तो मावां दे पुत्त तो ही मरी जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।